So now we will see how gender equality and child marriage influences later life of our women. Approximately 16 million adolescent girls aged 15 to 90 years and 2.5 million girls aged 12 to 15 years give birth each year, which is 95% of these births occur in developing countries. सो जो रिसर्च डेवलपिंग कंट्रीज़ पे की गई है उसमें ये देखा गया है कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जो तकरीबन सिक्सटीन मिलियंस हैं वो पंद्रह से उन्नीस साल की उम्र में उनकी शादी होती है और वो इससे ही पहले बच्चे को जन्म भी देती हैं तो अभी बच्ची की उम्र ही कम है उसकी ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई और अभी उसमें मेंटल मचोरिटी भी नहीं है तो जाहिर है फिर इसमें बहुत से प्रेगनेंसीज के मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 25 परसेंट एंड 50 परसेंट ऑफ ऑल यंग वीमेन इन लो इनकम कंट्रीज गिव बर्थ बिफोर दे टर्न 18। यानी 18 साल से भी कम उम्र में बच्चियां जो हैं वो फर्दर बच्चे जो है वो जन्म दे रही होती हैं तो उस वक्त दोनों बातें हैं ना एक तो ये कि बच्चे ने कम उम्र में जन्म लिया तो माँ की सेहत अब बेहतर नहीं थी या अभी उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई और दूसरा ये कि अभी वो इतनी मेच्योर भी तो नहीं हुई है कि छोटे बच्चे का ख़्याल कर सके और छोटे बच्चे चूँकि उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मैारात हैं बच्चे पालने के तो उसके पास तो वो वो स्किल भी नहीं है अभी उतनी जिम्मेदारी भी नहीं ले पा रही और शायद ये स्टैंडर्ड्स उसको किसी ने बताए भी नहीं हैं तो नतीजा इसका ये है कि बच्चा या माँ इस उम्र में आ, जो है वो सफ़र कर सकता है या मौत की तरफ जा सकता है इन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड गर्ल्स विद लोअर एजुकेशन लेवल्स एंड from रूरल लो इनकम फैमिलीज are मोर लाइकली टू बिकम pregnant देन देयर wealthier, अर्बन एजुकेटेड काउंटर पार्ट्स अच्छा ये बड़ी हैरत की बात है कि जो अमीर ममालिक हैं या गरीब मुल्कों में भी जो अमीर लोग हैं या जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें जो उनकी ख़वात हैं उनकी शादी भी ज़्यादा बचपन में नहीं होती और इस तरह से उनकी प्रेगनेंसीज में मोटेलिटी भी कम है वजह सिर्फ यही है कि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी है और वो प्रॉपरली मैनेज किया जाता है उनको आ, सोशली मोशली उनको सपोर्ट भी किया जाता है ख़ासतौर पर जो जैसे सबसे बड़ा तो आप न्यूट्रिशन को देखिए ना कि गुर्बत सबसे ज़्यादा ख़ुराक पर असरानंदाज होती है और फिर सैनिटेशन पर भी आपकी हाइजीन पर भी आप अगर गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे होंगे तो आपके इर्द गिर्द के रहने के हालात भी उस मैार के नहीं हैं तो माँ की सेहत लाजमी तौर पर पुअर होगी और फिर ये बच्चियाँ ज्यादा छोटी उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं अपने काउंटर पार्ट्स की नस्बत सो द रिस्क ऑफ मेटरनल डेथ अमंग टीन एजर्स एंड इन पर्टिकुलर यंग टीन एजर्स इज हायर दैन अमंग विमेन सो कम्प्लिकेशन डूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हुट आर द सेकेंड कॉज ऑफ डेथ फॉर फिफ्टीन टू नाइनटीन ईयर्स ओल्ड गर्ल्स ग्लोबली अब देखिए ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि वो बच्चियाँ जो कम उम्री में प्रेगनेंट होती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं उनके बच्चों की और उनकी माओं की मरने की तादाद दूसरों से कहीं ज़्यादा है वजह उसकी यही है कि अभी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हुई अभी डिवेलपमेंट ठीक से नहीं हुई अभी स्किल्स ठीक से डवेलप नहीं हुए और ये कि उनको ख़ास तौर पर किसी मेंटल या कॉगनेटिव प्रेशर में भी रखा गया है तो इस वजह से वो उसके साथ इतने बड़ा जो एक तख्लीकी काम है उसको कोप नहीं कर पाएं उसका साथ नहीं दे पाई तो फिर देखिए कि वो कहते हैं कि अबाउट सेवेंटी थाउजेंड एडोलेसेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज डाई एनुअली ऑफ कॉजेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ये बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर के ज़्यादा होने की वजह यही है बच्चियों को अर्ली एज में जेंडर आइडेंटिटी नहीं दी गई अगर जेंडर आइडेंटिटी दी जाती उनको फैसिलिटेट किया जाता उनको इक्विटेबल और इक्वल राइट्स दिए जाएं, और उनको भी एक ख़ास वक्त जब वो मैच्योर हो जाए देखें पंद्रह से बीस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है लेकिन बीस साल के बाद से जैसे ही आप बीस साल के बाद जाएंगे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल कम हो जाता है और 20 साल से 15 से 20 साल में ये मोटलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है यानी अगर मज़ीद पाँच साल इंतज़ार किया जाए तो बच्चियाँ बेहतर सेहत के साथ नया घर संभालने के लिए भी तैयार हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उसके भी काबिल है सो एडवर्स फैमिली इन्वामेंट सब्सटेंशली इम्पेयर चाइल्ड डेवलपमेंट आउटकम्स अब देखिए जब बच्चे की अपनी बच्ची की अपनी डेवलपमेंट नहीं है तो आने वाले बच्चा जो है वो भी ज़ाहिर सेहतमंद पैदा नहीं होगा अब बहुत सी खुतानी तो मौके पे जान दे देती हैं लेकिन जिनके बच्चे जन्म लेते हैं वो कमज़ोर हैं जब वो कमज़ोर हैं तो उनकी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है और जो माएँ हैं वो चूँकि अनस्किल्ड हैं अभी और उस तरह से वो आ, रिज, उनके अंदर रिजिलियंस नहीं है तो फिर उनकी भी न्यूट्रिशन भी कम होगी और कॉग्नेटिव इमोशनल डेवलपमेंट भी कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों के मुकाबले में कम होगी जिसका नतीजा साफ जाहिर है अच्छा नहीं निकल सकता तो ऐसे बच्चे आने वाले पाँच साल के अंदर अंदर इंतकाल कर जाते हैं वो नहीं रहते बाकी और अगर उनमें से कुछ एडल्ट बनते हैं तो उनके अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज़ रह जाती तो ये एक बड़ा फनामिना है जिसको आ, पॉलिसी गाइडलाइंस के थ्रू जो है वो आ, इसको इस फ्रेमवर्क पे अमल किया जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लॉज हैं जो अर्ली चाइल्ड मैरिज़ के ऊपर हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद कराना ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे जो सोशल टेबूज़ हैं जो सोशल रिवायात हैं जिनके हाँ बच्चियों को uh, एक पूरा ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाते बल्कि उनको एक कमतर मखलूक समझा जाता है इस सारी जो सोशल सोशल टेबूज़ और सोशल नोशंस हैं इनके बारे में भी पॉजिटिव अवेयरनेस देना गवर्नमेंट ही और दूसरे जो हमारे रिलेटिव इदारे हैं उनकी ज़रूरत है और हम तो ये कहेंगे कि बहसीयत इस जब आपके पास बच्चियाँ और बच्चे आते हैं तो जेंडर आइडेंटिटी जो है आपके यहाँ भी उस पैदा करनी और आपको भी इसके ऊपर कोशिश करना ज़रूरी है ताकि बचपन से ही बच्चियों को एक बाज़त जो है वो उनक, उनकी आइडेंटिटी बने उनकी शनाख्त बने और वो अपने आप आने वाले दिनों में अपने लिए बेहतरीन फ़ैसले कर पाएँ तो हम ये देखेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चियों की आइडेंटिटी जो है उस रोल के को अफेक्ट करते हैं और उनके एडल्ट एडल्टड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं